एवरीवन, दिस इज डॉक्टर वंदना गुलाटी और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत कॉमन स्किन कंडीशन की, विटिलिगो। विटिलिगो को फुलबेरी की बीमारी भी कहा जाता है। विटिलिगो में पेशेंट्स अपने स्किन में व्हाइट पैचेस डेवलप करते हैं। विटिलिगो कॉजेज द स्किन to lose its color from different parts of the body. Globally, vitiligo affects 0.5 to 2% of the people. Vitiligo can affect all the races and genders equally. Vitiligo ke jo patches hote hain, usme kisi bhi tarah ka koi sensation nahi hota. Isi wajah se in patches ko एसिम्टोमैटिक डीपिगमेंटेड पैचेस भी कहा जाता है। नाउ व्हाट बेसिकली हैपेंस इन विटिलिगो, ये समझने के लिए हमें पहले नॉर्मल स्किन स्ट्रक्चर को समझना होगा। हमारी स्किन में तीन लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड डीपर सबक्यूटेनियस टिश्यूज। आउटरमोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है, उसके बाद आती है डर्मिस एंड देन द डीपर सबक्यूटेनियस टिश्यूज। आउटरमोस्ट लेयर जिसको कि हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसमें एक सेल्स होते हैं जिन्हें हम मिलानोसाइट्स कहते हैं। मिलानोसाइट सेल्स मिलानिन नाम के एक पिगमेंट को बनाते हैं और अपने अंदर स्टोर करते हैं। मिलानिन एक डार्क कलर का पिगमेंट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द स्किन। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सेम अमाउंट ऑफ मिलानोसाइट्स, बट द अमाउंट ऑफ मिलानिन पिगमेंट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों की स्किन टोन बहुत लाइट होती है और कुछ लोगों की स्किन टोन बहुत डार्क होती है। विटिलिगो में देयर इज स्टॉपेज ऑफ मिलानिन फॉर्मेशन बाय द मिलानोसाइट्स। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ विटिलिगो? सो सबसे पहला कॉज है जेनेटिक्स। विटिलिगो के केसेस में ये देखा जाता है कि किसी ना किसी फैमिली मेंबर को भी विटिलिगो होता है, एज इट इज ट्रांसमिटेड बाय एन ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन। सेकेंड रीजन इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं जहां पर हमारी बॉडी का ही इम्यून सिस्टम हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक करता है। हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं जिन्हें हम ऑटो एंटीबॉडीज कहते हैं। वो मिलानोसाइट्स जो कि मिलानिन पिगमेंट बनाती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी वजह से कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, परनीशियस एनीमिया, डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें कि हम देखते हैं कि पेशेंट्स विटिलिगो के पैचेस भी डेवलप करते हैं। थर्ड रीजन इज द प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर। कुछ फीमेल्स जो बहुत ज्यादा टाइट स्ट्रिंग्स टाई करती हैं अपने सलवार्स के या पेटीकोट्स के, उनके फ्लैंक्स दैट इज द साइड्स ऑफ द वेस्ट, वहां पे विटिलिगो के पैचेस डेवलप हो जाते हैं। द अदर रीजन इज द रिपीटेड ट्रॉमा। एल्बोज, नीज, एंकल्स, जहां पर रिपीटेड ट्रॉमाज होते हैं वहां पर भी विटिलिगो के पैचेस डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। देन द अदर रीजन इज द इमोशनल ट्रॉमा और स्ट्रेस। किसी भी एक स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद कुछ पेशेंट्स में विटिलिगो के पैचेस डेवेलप। नाउ वी विल डिस्कस द वेरियस कॉजेज ऑफ विटिलिगो। सबसे पहला कॉज है जेनेटिक्स।
विटिलिगो के कुछ पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि एक ना एक फैमिली मेंबर या रिलेटिव भी ऐसा होता है जिसको विटिलिगो होता है, एज इट इज ट्रांसमिटेड बाय एन ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन. सेकेंड रीजन इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जहां बॉडी का इम्यून सिस्टम हेल्दी सेल्स पर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है. विटिलिगो के केसेस में सेल्स जिन्हें हम ऑटो एंटीबॉडीज कहते हैं मिलानोसाइट्स को अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं और इसी वजह से मिलानिन पिगमेंट नहीं बन पाता. इसी वजह से बहुत सारे स्किन कंडीशंस हैं जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, पर्निशियस एनीमिया, डायबिटीज मेलाइटिस, जहां पे हम देखते हैं कि पेशेंट्स विटिलिगो के पैचेस भी डेवलप कर लेते हैं. थर्ड रीजन इज द प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर. कुछ फीमेल्स जो बहुत ही टाइट स्ट्रिंग्स टाई करती हैं अपने पेटीकोट्स के या सलवार्स के, उन फीमेल्स में ये देखा जाता है कि वो अपनी कमर के साइड में जिन्हें हम फ्लैंक्स कहते हैं वहां पर विटिलिगो के पैचेस डेवलप कर लेते हैं. फोर्थ रीजन इज द रिपीटेड ट्रॉमा. बॉडी के पार्ट्स जैसे कि एल्बो, नीज, एंकल्स, जहां पर रिपीटेड ट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं, कुछ पेशेंट्स वहां पे विटिलिगो के पैचेस डेवलप करते हैं. या कुछ पेशेंट्स जो रिपीटेडली अपनी स्किन को स्क्रैच करते हैं, अपने नेल्स से अपने स्किन को इंजर कर देते हैं एंड विटिलिगो के पैचेस डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं. फिफ्थ रीजन इज द स्ट्रेस. कोई भी एक इमोशनली स्ट्रेसफुल इवेंट विटिलिगो को ट्रिगर कर सकता है विच इज ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस दैट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेस. विटिलिगो के कुछ केसेस में पेशेंट्स के बाल भी सफेद हो जाते हैं और इसे हम ल्यूकोट्रिकिया कहते हैं. देयर इज वन मोर टाइप ऑफ विटिलिगो विच इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा. ल्यूकोडर्मा में पेशेंट्स विटिलिगो लाइक पैचेस डेवलप करते हैं ऐसे बॉडी पार्ट्स पे जो यूजुअली रबर एक्सेसरीज के कॉन्टैक्ट में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे पेशेंट्स जिन्हें बहुत रेगुलरली रबर ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, दे डेवलप विटिलिगो लाइक पैचेस ऑन देयर हैंड्स. कुछ ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ज्यादा रबर चप्पल्स पहनना प्रेफर करते हैं, दे डेवलप विटिलिगो लाइक पैचेस ऑन देयर फीट. एंड इन अ फ्यू फीमेल्स विच यूज प्लास्टिक बिंदीज, दे डेवलप विटिलिगो लाइक पैचेस ऑन देयर फोरहेड. एंड दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ मोनोबेंजाइल ईथर ऑफ हाइड्रोक्विनोन. Systemic treatment of leukoderma and vitiligo is the same. The patches of vitiligo vary in shape, size as well as color. Now comes the management and treatment part of vitiligo. Vitiligo ke saath bahut sare social stigmas attached hain. विटिलिगो के पेशेंट्स के साथ लोग अपनी चीजें शेयर करना प्रेफर नहीं करते, उनके साथ ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते एज दे फेयर कि ये डिजीज पेशेंट से उन्हें ट्रांसफर हो सकता है. सो टू बर्स्ट ऑल द मिथ्स, वी ऑल मस्ट नो दैट विटिलिगो इज अ नॉन कॉन्टेजियस डिजीज, विच मीन्स अगर आप विटिलिगो के पेशेंट के साथ उठते बैठते हैं, अपनी चीजें शेयर करते हैं, तो ये बीमारी पेशेंट से आपको ट्रांसफर नहीं हो सकती. Secondly, a vitiligo patient is mentally, physically, and sexually as efficient as any other normal human being. Now comes the treatment of vitiligo in allopathy. Allopathy mein vitiligo ke treatment ke liye patient ko steroids diye jaate hain, UV rays se expose kiya jata hai patient ki skin ko, बहुत सारे ऑइंटमेंट्स लगाने के लिए दिए जाते हैं, सनलाइट एक्सपोजर के लिए कहा जाता है, एंड इन अ फ्यू केसेस दे आल्सो एडवाइज कॉस्मेटिक.
cosmetic surgeries. And all these treatments have many side effects in the body. For example, allergies, scarring, liver damage, cataract, just to name a few. Aur bhi bahut sare side effects hain jo allopathic treatment se patients suffer kar sakte hain. Now comes the treatment of vitiligo in homeopathy. Homeopathy offers a very promising treatment in the cases of vitiligo. Homeopathy mein aisi bahut sari medicines hain jo vitiligo ke cases mein help deti hain by stopping the spread of the disease and at the same time the repigmentation of the vitiligo patches can be attained. And that too without any side effects. Ek well-qualified homeopathic doctor vitiligo ke har case ko deeply evaluate karta hai. Vitiligo ke har case mein cause of vitiligo ko samajhta hai. And patients ke symptoms ke hisab se ek suitable homeopathic medicine prescribe karta hai. दवाइयों के साथ साथ पेशेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि वो अपनी स्किन को रिपीटेड ट्रॉमा, रिपीटेड स्क्रैचिंग या प्रोलॉन्ग प्रेशर से बचाएं। और इसी वजह से पेशेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि अपने नेल्स को फाइल करके रखें, कट करके रखें, सो दैट रिपीटेड स्क्रैचिंग से वो स्किन को किसी भी तरह से इंजर ना कर पाए. पेशेंट्स को कुछ फूड आइटम्स अवॉइड करने के लिए भी कहा जाता है, लाइक फूड आइटम्स विद प्रिजर्वेटिव्स, नॉन वेज फूड एंड सार फूड्स, क्योंकि विटिलिगो के कुछ केसेस में देखा जाता है कि ये फूड आइटम्स विटिलिगो के पैचेस को एग्रीवेट करते हैं. क्योंकि विटिलिगो एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन है, इसी वजह से द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज a little slow but it is very much promising. Homeopathic medicine prescribe karne ke 2 se 3 mahine ke andar aapko aaram dikhna shuru ho jata hai. I hope you all find this video very informative and useful. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you so much everyone.